इधर महाराष्ट्र में खेला हुआ, उधर नीतीश के बिहार में झमेला हुआ। आधी रात हो गई ऐसी घटना, हिल गया समूचा बिहार और पटना। शरद पवार की हालत देखकर बदल गए नीतीश के तेवर और कलेवर। अचानक बंद कमरे में हुई उससे मुलाकात, जो सुलह के लिए पहुंचाएगा मोदी तक बात। मीटिंग खत्म होते ही अपने ही मंत्री को नीतीश लगे झाड़ने, बोले कहिए तो ग्रह नक्षत्र अभी सही करवा दे। पहले बचाया अब सबक सिखाया, जिसने किया रामचरितमानस का अपमान, अचानक उसके खिलाफ क्यों बदल गए नीतीश कुमार के टोन। नीतीश कुमार ने अपने एक मंत्री को खूब डांटा है, बोला है कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जिस मंत्री के लिए नीतीश कुमार अब तक चट्टान की तरह खड़े रहते थे, अब वही मंत्री सिर्फ एक मीटिंग के बाद नीतीश की आंखों में क्यों चुभने लगा। नीतीश ने आखिर किससे मुलाकात की, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अब एनडीए में शामिल होने जा रहे नीतीश कुमार। असल में बिहार के शिक्षा विभाग में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को गुरुवार को मिलने के लिए बुलाया। इस मीटिंग में हुई बातें एक कमरे से बाहर आ गई, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर से कहा कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है और लगातार बढ़ रही है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब सरकार से जुड़ी बातें हैं। इस स्थिति से बचना चाहिए, दोनों को बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी बात कहने के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शिक्षा विभाग में काम करने की प्रगति के बारे में बात करने के लिए ये मुलाकात की है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अक्सर नीतीश कुमार इस तरह की समीक्षा विभागीय बैठक में करते हैं, और इस दौरान मंत्री के साथ साथ विभाग के सभी सीनियर अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री के सामने पेश होने से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पूर्व सीएम राबड़ी देवी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यहां पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री के पाठक के साथ हुए इस पूरे विवाद के बारे में लालू को विस्तार से बताया। मामले की गंभीरता को समझते हुए लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए कहा, जिसके बाद वो नीतीश कुमार से मिलने गए। असल में ये मामला उस वक्त का है जब शिक्षा मंत्री के पीए कृष्णानंद यादव ने कुछ दिनों पहले के पाठक को एक पीठ पत्र लिखा था, जिसके बाद विभाग के कार्यालय में उनको आने के लिए मना कर दिया गया था। इस विवादी लेटर में लिखा गया कि मंत्री ने हाल ही में घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई। इसमें ये देखा गया कि विभाग से संबंधित नकारात्मक खबरें मीडिया में आ रही हैं। यहाँ तक कि आधिकारिक पत्र या विभागीय संचार मंत्री के कक्ष तक पहुँचने से पहले ही मीडिया में लीक हो जाते हैं। ये लोक सेवकों के कामकाजी संबंधी नियमों के विरुद्ध है। विभाग को ऐसे अधिकारी की पहचान करनी चाहिए और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद इस पर शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने कृष्णानंद यादव को बीते 5 जुलाई को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पत्र लिखकर कहा था कि आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन इस मुलाकात के बाद आरजेडी अब बैकफुट पर खड़ी हुई नजर आ रही है। आरजेडी के विधान पार्षद और राबड़ी देवी के करीबी भाई सुनील सिंह ने के पाठक की शान में कसीदे पढ़ डाले। उन्होंने कहा कि के पाठक बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। शिक्षा विभाग में उन्हें लाया गया तो निश्चित तौर पर एक साल के अंदर विभाग में कुछ अच्छा दिखेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे देने तक की मांग कर दी। लेकिन आपकी राय में इस मामले में सबसे बड़ी मांग क्या है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।